यूपीलैंड क्रेटा को फॉलो कर रहा है ना, क्रेटा हां क्रेटा को फॉलो कर रहा है, क्रेटा मेरे को फॉलो नहीं करता, कहां रहते हो? मेरे को टाउन बोल रहे थे मिल रहा है क्रेटा फॉलो कर अमन नूरी के पास हम इस सब आप ये चिंगारी सोच रहे थे तुम, सुनो सुनो तुम क्या सोच रहे थे, जो बीच में थे वो क्या सोच रहे थे? चलने का क्या बहुत बढ़िया, मैंने देखा तो वो मुझे पता है सीन चालू है, लेकिन इसको नहीं पता ना सीन चालू है, तो इसको पता नहीं पड़ा, उसको बोलो ना सेम रिएक्शन एक में बोलता हूँ, बोल दो मेरे जो गुरु है उन्होंने कहा कि हर जगह नेचुरल करो, नेचुरल करो नेचुरल, ये नेचुरल था फिर ऐसा, हाँ नेचुरल जो आते हैं वहाँ क्या होता है, यहाँ की बात है वहाँ कोई है, ये भी अच्छा रहता है, कोई तो है सर वहाँ बचाने वाला फिल्म सिटी में आर्टिक यस सर, तो आप फिल्म सिटी क्यों जाते, कोई है आपको वहाँ चाहने वाली, चाहने वाला चाहने वाली? अरे इनको चाहने वाली यहाँ तो बहुत है, क्या बातें कर रही हो आपको तीनों को लेकर अकबर अमर एंथनी बनाना चाहिए, तीनों को लेकर तुम मुझे बताओ तुम्हें फिल्म सिटी जाना क्या अच्छा लगता है, फिल्म सिटी जाने में तुम्हें अच्छा क्या लगता है, फिल्म सिटी क्यों भी जाते हो तुम? फिल्म से हम लोग जाते हैं अपना क्या नाम है जैसे कॉल टाइम रहता है वैसे जाते हैं, नहीं फिल्म सिटी में तुम्हें जाने के लिए अच्छा क्या लगता है, मतलब क्यों मुझे ऐसा पता सब जानते हैं उनको हुँ? सब जानते इसलिए जाते फिल्म सिटी में, फिल्म सिटी में सब जानते हैं कैसे गर्लफ्रेंड रहते हैं सर, गर्लफ्रेंड रहते हैं काम करते नहीं वहाँ फिल्म सिटी में क्या काम करते हो तुम? फिल्म सिटी में अपना क्या नाम है इधर वेब सीरीज में किया था और कपिल शर्मा शो में लगभग चैनल आइडल इंडियन आइडल में, कपिल शर्मा को जो 25 दिन से आते हैं वो सुन देते हो अच्छा आप रेटर आप हो? नहीं तो रेटर नहीं होते, रेटर तो लिख देते हैं लेकिन बीच बीच के जो बिटवीन द लाइंस के जो 25 आप देते हो सर आप लोगों को देख के ना भैया ना अकबर अमर एंथनी पिक्चर था वो यार, अकबर अमर एंथनी अकबर 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 एंथनी हाँ यार अमर अकबर एंथनी देखो खेले पे देखे, तो सर बताइए बाकी आप क्या चल रहा है विषय पे, ये तुम हम तीनों को बोल रहे हो पागल हो गए हो तुम आप लोग रिलेशन क्या है क्या भांग पी के आए हो दिवाली में, हाँ होली मनाना चाहते हो? दिवाली में होली मनाना चाहते हो? कुछ क्वेश्चन पूछो दिवाली के, हैप्पी दिवाली, बड़ा लक्ष्मी, बड़ा लक्ष्मी बम फोड़ने का लाने का, बड़ा लक्ष्मी बम का नहीं जरा जरा ठीक है, वो बड़ा लक्ष्मी बम कहाँ मिलेगा, बड़ा लक्ष्मी बम मैं इंतजाम करता हूँ अभी का, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं लेके आऊँ तुम्हारे ऊपर छोड़ दे, किसी घर में मत करना, ऊपर छोड़ देंगे कैसे मान देगा ना, दे कपे कपिल का ये पंच अच्छा है ना, ये कितना था कोई, हाँ ये किसी वो कपिल का वो ये सुनने वाले पंच आमने गया ना, तो ना ये सुनते हैं
पूछो सुनिए ना यार, तुम अपने गानों के लिए पैसा जुटाना चाहते हो कि नहीं? हाँ, हमारा वीडियो बनाओ। हाँ सर, मैं कहना चाहता हूँ ये सब सवाल थी। दिवाली, अरे सर बहुत बड़ी त्योहार है, साल में एक बार आता है, दो साल बाद कर कौन सा एक त्योहार साल में दो बार आता है? नवरात्रि का त्योहार साल में दो बार आता है? अलग होती है, चैत्र नवरात्रि नवरात्रि में लापसी खाते हैं, इस नवरात्रि में डांडिया खेलते हैं, दोनों में माता ही है, कहने का मतलब दोनों में माता ही, दोनों में माता ही। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप देख पानी पी लीजिए। हाँ अच्छा सर, मैं क्या कर रहा था, जैसे दिवाली आ रहा है, कभी दिवाली में आप लोग अपने गर्लफ्रेंड के गिफ्ट दिए हो? क्या गिफ्ट दिए हो आप? मेरी तो शादी हो गई ना। हाँ, क्या गिफ्ट दिया आपने? जब कब कहाँ दिया बताओ? अब हुई है गर्लफ्रेंड, अब गिफ्ट देंगे? अब हुआ, क्या देने का सोचा आपने? हिम्मत नहीं दे दी, शादी शुदा है। और आपने आपने वाइफ को क्या देंगे, क्या गिफ्ट देंगे देने वाले हो? दे दिया भाई, दे दिया क्या? और आपने क्या दिया? मैं दूंगा भी दिवाली में गिफ्ट, मेरे भी शादी। हां, इनकी तो नहीं, नहीं पहली दिवाली, पहली दिवाली। अरे वाह वाह वाह, बधाई हो, मिठाई बांटी है, फिर पहले दिवाली हम लोग को भी खिलाइए। पहली दिवाली सारा पैसा मिठाई बांटेंगे, गिफ्ट क्या देंगे? दूसरी दिवाली पापा, पहली दिवाली गिफ्ट। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, जल्दी आते अगली की बार दो, मैं ये कर रहा हूँ, दो साल बाद हम बड़े दिवाली मना रहे, दो साल कोरोना था, हम मनाए थे, आप मनाए थे, नहीं बहुत, अलग बहुत लोग थे जो नहीं बनाए थे, बहुत हाँ। लोग नहीं मना पाए थे, उनके लिए क्या एडवाइस है? बहुत लोग जो बोलता है ना पाँच, बताइए सर, मतलब बताइए, हमारे त्योहार पर जब दिवाली आता है, होली आता है, तभी हमको सब ध्यान में आता है, उससे पहले इतना प्रदूषण फैलता है, इतने सारे ये होता है, तो प्रदूषण तो फैलेगा, लेकिन पॉल्यूशन अगर नए साल पे नहीं फैलता है तो दिवाली पे भी नहीं फैलेगा। राइट right. तो जो रोकना है तो हर जगह रोको, नहीं रोकना है तो सिलेक्टिव ना हो कि किसी त्योहार के लिए जो है, सबके लिए बराबर हो, बराबर है, right, तो सबके लिए सिलेक्टिव ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं तो चिंगारी होगी। आप बता लें क्या बताए सर? मैं ये कहूँगा, ये तो है ही, मतलब समानता तो हर जगह होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे शास्त्रों में लिखी हुई चीज है कि अक्टूबर जो होता है ना, बीच का महीना आता है जहाँ पे ऋतु चेंज होता है, और जहाँ पे ऋतु चेंज होता है ना बैक्टीरिया ज्यादा फैलते हैं, मतलब आप देखिए इसी मौसम में आपको सर्दी जुकाम बेवजह शुरू हो जाएगा। हाँ हाँ, हो गया तो, हाँ फीवर आता रहेगा, तो ये बैक्टीरिया फैलता है, तो इसको ना फैल देना है हमारा काम है जो हमारे पूर्वजों ने किया हुआ है। तो इस दिवाली ऐसा तो त्यौहार आता है, इस ऋतु के बीच में आता है, तो इसीलिए हम घी के बनाए हुए पदार्थ खाते हैं, व्यंजन खाते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे, और दूसरी चीज़ दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, पटाखों के धुएं से ये बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं, 100% नहीं लेकिन कुछ 70-85% कम हो जाते हैं, इसीलिए ये दिवाली मनाने का रिवाज है। तो और अभी क्या हुआ है ना कि हर एक चीज़ का थोड़ा सा पवंडर हो ही जाता है, मतलब वो थोड़ा सा हमें कम करना चाहिए बस, बाकी कुछ कोशिश करें। जो पटाखे जलाते हैं तो ऐसे जो घातक हो ऐसे पटाखे ना जलाएं। हाँ, कि लोग, मैं कई बार और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि रोड पे जिस तरीके से आप लोग करते हैं बहुत सेफ्टी से एक्सीडेंट हो जाता है। सर एक बार पूछना था, सॉरी, सेफ्टी के लेकिन पटाखे हम देखते हैं न्यू ईयर में भी फोड़ते हैं, एक से एक पटाखा बम फोड़ते हैं, तब क्यों एडवांस लोगों ने? वो जो तो बेवकूफ़ है ना, सेलेक्टिव नहीं होना है, क्योंकि हमारे त्यौहार पे क्यों बैन करते हैं, हमारे सिर्फ त्यौहार पे, मतलब दिल्ली में देखो बोलते हैं पटाखे नहीं फोड़ेंगे, प्रदूषण हो रहा है, प्रदूषण कैसे तो भी होते, नए साल पे जो बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, नए साल पे नहीं करेंगे तो फिर आप लोग पटाखे चलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, कहने का मतलब बंद हो तो सब जगह बंद हो, नहीं बंद हो तो ठीक है, करने दो, सिलेक्टिव ना हो कि भैया तुम, यस यस यस, तुम सही हो तो देखो। सीमेंट की जिन्होंने जंगल तोड़ के सीमेंट का जंगल बनाया है, वो अगर कहेंगे कि बारिश का पानी जमीन में नहीं जा रहा है, हाँ, सब कंक्रीट से हो रहा है, तो ये उनको कहने का अधिकार नहीं है। बहुत बढ़िया, ग्लोबल वार्मिंग पे जो ज्ञान देते हैं एसी कमरे में बैठ के, ग्लोबल वार्मिंग पे ज्ञान देने का अधिकार उनको नहीं है। ठीक है, लास्ट जाते मैडम सर की तरफ से हैप्पी दिवाली, तीनों ने विश कर दिए, तीनों और पूरे मैडम सर की तरफ से आप सभी को धनतेरस की, दिवाली की, छठ पूजा की, जितने त्योहार हैं सबके लिए बहुत बहुत
शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मैडम सर। जय मैडम सर, थैंक यू।